हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आने जा रहा है और ये जो नज़दीक आ रहा है तो आप पूरा का पूरा लिटरेचर, हर एक स्टोरी, हर एक पोएट्री को आप नहीं फिर से पढ़ सकते हो। तो ये जो नोट्स मैं बनाया हूँ, ये नोट्स आपको काफ़ी कम समय में पूरा का पूरा रिविज़न हो जाएगा सारे लिटरेचर का। इसके पहले मैं एक और वीडियो बनाया हूँ जिसमें कि राइटिंग सेक्शन को पूरा कंप्लीट किया गया सेकेंड टर्म, एंड दिस वीडियो इज मीन फॉर द सेकेंड टर्म लिटरेचर। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला इंडिगो चैप्टर से। इंडिगो लिखा गया लुईस फिशर के द्वारा। थीम इसका लीडरशिप ऑफ गांधी ड्यूरिंग चंपारण एपिसोड, जो पॉइंट नंबर वन है। इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के बारे में कि इंडिगो शेयर क्रॉपर्स आखिर थे कौन, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के लिए काम करते थे। ग्रीव इंडिगो ऑन 15% लैंड, जो जमीन उनको दिया जाता था उसके 15% पर वो जो है इंडिगो ग्रो करते थे, जिसका कि होल हार्वेस्ट ऑफ इंडिगो गिवन टू लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, जो लैंडलॉर्ड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे पूरा का पूरा जो हार्वेस्ट था इंडिगो का वो ले लेते थे रेंट के तौर पर। डी में इंडिगो फार्मिंग स्टॉप्ड इन 1916 में इंडिगो फार्मिंग स्टॉप्ड हो गया। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी आविष्कार कर लिया था और उसका प्राइस काफ़ी कम था। इसके बाद शेयर क्रॉपर्स को मजबूर किया गया क्या चीज़ कंपेंसेशन पे करने के लिए, वो देते चले गए। लेकिन फिर शेयर क्रॉपर्स ने क्या किया, कुछ शेयर क्रॉपर्स जो है इंगेज लॉयर्स जो केस जाकर कर दिए, जिसमें कि ज़्यादातर केस यानी कि सारे केस हारते ही चले जा रहे थे। इसके बाद इस कहानी में एंट्री होता है एक कैरेक्टर का, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला चंपारण के रहने वाले थे और वो क्या थे, पुअर इलिटरेट शेयर क्रॉपर वो भी थे। उनको लगा कि भाई कोई काफ़ी जो है काफ़ी इंटेलिजेंट जो वकील है उसको लाना चाहिए। उनको पता चला कि पटना में राजेंद्र प्रसाद एक बहुत बड़े वकील हैं, तो उनको लाने गए। लेकिन पॉइंट नंबर थ्री में है कि वो पॉइंट नंबर टू में कि राजेंद्र प्रसाद नहीं आ पाए, उनके पास वक्त ही नहीं था। तब जाकर राजकुमार शुक्ला फिर कहाँ, लखनऊ चले गए, वहाँ पर गांधी जी से बात की। गांधी जी को पीछा करते चले गए जब तक गांधी जी उनसे इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो गए। आखिरकार गांधी जी इन्फ्लुएंस्ड होकर के एग्री हुए कि हाँ मैं कलकत्ता से चलता हूँ आपके साथ चंपारण में केस लड़ने के लिए इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के सपोर्ट में। इसका पॉइंट नंबर थ्री है कि गांधी जी को पटना लाया गया। कहाँ से, कलकत्ता से। कौन लाने गए, शुक्ला जी लाने गए कलकत्ता से पटना, वो भी ट्रेन से आया और वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद के घर गए, वहाँ पर रात्रि उन्होंने गुजारा। फिर वहीं से उन्होंने टेलीग्राम लिख दिया कि इसको प्रोफेसर कृपलानी जो मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज यानी आज का जो एलएस कॉलेज है उसमें कि हम लोग आ रहे हैं। और फिर गांधी जी फिर वापस गए कहाँ, राजेंद्र प्रसाद के घर में रात्रि गुजारने के लिए। और वहाँ पर नौकर यानी कि सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद जिस तरह से उनके हाथ से बाल्टी ले लिया कि हम पानी भर देते हैं आपके लिए, यह गांधी जी को एहसास दिला दिया कि अभी भी अनटचेबिलिटी यानी कि ये जो नौकर हैं किसके, राजेंद्र प्रसाद को, उनको डाउट है मेरे को मुझको देख करके कहीं यह अनटचेबल हुआ तो निश्चित रूप से सोर्स वाली पॉल्यूटेड वेल का, इसलिए उसने पानी नहीं भरने दिया। गांधी जी काफ़ी स्ट्रग्ड हो गए थे। नेक्स्ट है कि गांधी जी उसके बाद कहाँ आए, मुजफ्फरपुर आए। उनको स्टेशन पर मिडनाइट 15 अप्रैल 1917 को रिसीव किया गया प्रोफेसर मलकानी, प्रोफेसर कृपलानी और स्टूडेंट्स के द्वारा। वो प्रोफेसर मलकानी के घर में रात्रि गुजारे। फिर नेक्स्ट डे क्या किया, आर्ट्स कॉलेज यानी आज का जो एलएस कॉलेज है वहाँ पर गए। वहाँ पर लॉयर्स वगैरह वहाँ पर गैदर हो गए थे, उन्होंने ब्रीफिंग किया केस का। वो लॉयर्स को कहे कि कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है और उन्होंने सलाह दिया सारे लॉयर्स को कि बेहतर है इसको लैंडलॉर्ड से, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से डरे हुए हैं उससे उनको मुक्ति दिला दी जाए। नेक्स्ट है लैंडलॉर्ड सेक्रेटरी रिफ्यूज टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद गांधी जी लैंडलॉर्ड्स के सेक्रेटरी से मिलने गए कि भाई इन्फॉर्मेशन ले आइए, कौन सा रूल आपको जो है वो अलाउ कर रहा है, परमिशन दे रहा है कंपेंसेशन लेने के लिए। लेकिन लैंडलॉर्ड्स का सेक्रेटरी ने कहा कि यू आर एन आउटसाइडर, आप आउटसाइडर हो, आपको ये नहीं दिया जा सकता। इसके बाद गांधी चले गए कमिश्नर से मिलने के लिए, लेकिन कमिश्नर ने भी उनको कहा कि भाई बेहतर है आप तिरहुत कमिश्नरी को छोड़ करके चले जाइए। इसके बाद गांधी जी क्या किए, मोतिहारी चले गए। मोतिहारी में उसको स्टेशन पर शेयर क्रॉपर्स और लॉयर्स के द्वारा रिसीव किया गया। वहीं पर स्टेशन के पास एक घर में वो रुके थे एक वकील के साथ। इसके बाद उनको जो है एक नोटिस मिल गया तिरहुत कमिश्नरी से, जो पुलिस ऑफिसर है उसने नोटिस दे दिया कि तिरहुत कमिश्नर छोड़ करके आपको जाना है। लेकिन गांधी जी उस नोटिस पर सिग्नेचर किए रिसीविंग का, लेकिन उन्होंने ऑर्डर को नहीं माना, जिसके कारण उन पर केस हो गया और उनको कोर्ट से बुलावा आ गया नेक्स्ट डे कोर्ट में फेस करने के लिए ट्रायल को। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी इन द कोर्ट। कोर्ट में आखिरकार क्या हुआ, एक सपोर्टेड बाय थाउजेंड्स ऑफ शेयर क्रॉपर्स हज़ारों की संख्या में उनके सपोर्ट में आ गए। इसके बाद गांधी जी को कोर्ट ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि जो बाहर जो क्राउड है उसको आप डिसिप्लिन कीजिए। आखिरकार गांधी जी बाहर निकले और सबको शांत कर दिए क्राउड को। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में जाकर के एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने क्या किया, ऑर्डर को नहीं माना, लेकिन उसके पीछे कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ है, जो कर्तव्य की लड़ाई मेरे अंदर हुई थी। एक कर्तव्य कह रहा था कानून को मानना, एक कर्तव्य कह रहा था जिसके कारण लड़ाई लड़ने आया उसको मानना। इसके कारण उन्होंने कहा कि मैंने डिसओबे कर दिया। और फिर गांधी जी को 2 घंटे के लिए जो उसमें ब्रेक हुआ था कोर्ट में, उसमें फ्री छोड़ दिया गया विदाउट हैंड का फॉर विदाउट बेल।
और लास्ट में कोर्ट ने कोई डिसीजन उस दिन नहीं लिया कि उन कोर्ट को पता था कि बाहर जितने भी शेयर क्रॉपर्स हैं इनके सपोर्ट में, अगर इनको जजमेंट हो जाता है इनके जेल भेजने की, तब निश्चित रूप से काफ़ी परेशान हो जाएगा, भीड़ जो है काफ़ी दिक्कत करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, विक्ट्री फॉर गांधी में कि गांधी जी क्या किया, कोर्ट कैंपस से बाहर निकले तो उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को टेलीग्राम लिखा और सारा जो यहाँ पर बात हुई थी वो उन्होंने कह दिया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को भी उन्होंने टेलीग्राम करके कहा कि आप जो इन्फ्लुएंशियल जो काफ़ी अच्छे इंटेलिजेंट वकील हैं उनको लेकर के आइए, कहाँ, मोतिहारी में केस लड़ने के लिए। फिर नेक्स्ट हुआ, एक दिन गांधी जी लॉयर्स के साथ बैठे हुए थे, तब उन्होंने कहा कि अगर मुझे जेल भेज दिया जाएगा फिर आप लोग क्या करोगे, जिस पर जो लॉयर्स हैं वो कहे कि निश्चित रूप से हम भी आपके साथ जेल जाने को तैयार हैं, जिस पर गांधी ने कहे थे कि देन द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। लेकिन ऐसी नौबत आई ही नहीं, क्योंकि केस जो भी गांधी के अगेंस्ट था उसको डिसमिस कर दिया गया विदाउट एनी ट्रायल, और यह सिविल डिसओबीडियंस ट्रायम्फ फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। इस तरह से सिविल डिसओबीडियंस की जीत हुई फर्स्ट टाइम मॉडर्न इंडिया में, यानी ब्रिटिश इंडिया में। इसके बाद पॉइंट नंबर 8, फ्रीडम फॉर शेयर क्रॉपर्स। उसके बाद शेयर क्रॉपर्स कैसे फ्री हुए, पहला पॉइंट है कि गांधी जी उसके बाद क्या गए, उसके बाद गवर्नर के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास मिलने गए, एक बार नहीं चार चार बार जाकर के यहाँ की स्थिति को उन्होंने बयां किया। इसके बाद हुआ लास्टली जाकर के जो गवर्नर है उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन सेटअप कर दिया यहाँ के शेयर क्रॉपर्स के हालात को जानने के लिए। फिर जाके क्या हुआ, गांधी जी जो है एविडेंसेज वगैरह इकट्ठा करते चले गए, किसके, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, और लैंडलॉर्ड्स का सेक्रेटरी उनके एविडेंसेस को देख करके डिफीट एक्सेप्ट कर लिए, और फिर उन्होंने कहा कि बेहतर हम कोर्ट के बाहर ही इस पर जो है निगोशिएशन कर ले। गांधी से कहा गया कि आखिरकार आप कंपेंसेशन जो हम लोग लिए हैं उसका कितना परसेंटेज आपको वापस चाहिए, गांधी ने कहा कि एटलीस्ट 50%। जब सेक्रेटरी को लगा कि भाई इसको तो 1% भी नहीं देना, 50% तो काफ़ी हुआ, इसलिए और भी घटा कर कहा, जिससे कि गांधी जी नहीं मानेंगे ये सोचते हुए सेक्रेटरी ने कहा कि ठीक है, बट वी आर रेडी ओनली टू गिव यू 25% कंपेंसेशन बैक, जिस पर गांधी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो जो सेक्रेटरी है काफी शॉक्ड हो गया, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना कम गांधी जी इतना कम परसेंटेज में मान जाएंगे, जिसके कारण आखिर हुआ क्या, रिजल्टिंग इन द फ्रीडम ऑफ शेयर क्रॉपर्स। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9 है गांधी जी एज सोशल वर्कर इन चंपारण। गांधी जी किस काम के लिए आए थे, शेयर क्रॉपर्स को फ्री करने के लिए, वो फ्री हो गए, उसके बावजूद गांधी जी यहाँ पर रहे, क्योंकि वो काफ़ी सोशली जो यहाँ की स्थिति थी उसे काफ़ी कंसर्न था। सोशल कल्चरल बैकवर्ड चंपारण, ये गांधी जी को परेशान कर दिया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ओपन स्कूल्स, उसके बाद क्या किया, उनको सपोर्ट करने के लिए वॉलंटियर टीचर्स आ गए। इसके बाद उन्होंने मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट किया, खास करके उस समय स्किन डिजीज, कोटेटेंगल, मलेरिया लोगों को काफ़ी होता था। यहाँ पर डॉक्टर्स, वॉलंटियर डॉक्टर्स आए उनकी मदद करने के लिए। फिर यहाँ के लोगों को साफ़ सुथरा कैसे सैनिटेशन रखे इसको सिखाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी पत्नी कस्तूरबाई और उनका सबसे छोटा बेटा देवदास भी आ गया, कहाँ से, अहमदाबाद आश्रम से। और इसके बाद वहाँ पर एक सी एफ एंड्रयू साहब आए थे जो गांधी जी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, और उनको देख करके लॉयर्स ने कहा कि इनको रख लिया जाए तो अंग्रेज से लड़ने में हमको काफ़ी मदद होगा, जिस पर गांधी जी ने उनको रोक दिया कि नहीं, इनका मदद लेना, यानी कि सेल्फ रिलायंस, आत्मभरोसा की हमको कमी होगी। और इस तरह से उन्होंने टॉट सेल्फ रिलायंस बाय रिफ्यूजिंग टू टेक द सपोर्ट ऑफ सी एफ एंड्रयूज। तो ये हमारा चैप्टर इंडिगो सेकेंड टर्म का जो फर्स्ट चैप्टर है। लेट्स कम टू द सेकेंड चैप्टर ऑफ सेकेंड पार्ट सेकेंड टर्म का। तो सेकेंड चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप रिटन बाय सेल्मा लवलॉफ। ये जो थीम है मेटाफर ऑफ द रैट ट्रैप, यानी ग्रीड फॉर मनी एंड फ्रीडम फ्रॉम इट। जो मेन कैरेक्टर है द पेडलर है कौन, ए यंग वीक बट लेबोरियस एंड ऑनेस्ट मैन, अर्न्स लिवलीहुड बाय मेकिंग एंड सेलिंग रैट ट्रैप्स, ऑल्सो स्टार्टेड टू स्टील एंड बेग टू सर्वाइव, डिड नॉट गेट सिंपैथी फ्रॉम एनीवन, कंसिडर्ड लाइफ टू बी मिजरेबल, बिकेम हैप्पी वन डे कंपेयरिंग द वर्ल्ड टू रैट ट्रैप एंड रिचेस टू बेट इनसाइड इट। यानी कि वो काफ़ी लेबोरियस ऑनेस्ट था, लिविंग कैसे करता था, रैट ट्रैप्स बना के बेच करके, लेकिन जब सर्वाइवल मुश्किल होने लगा तो चोरी और भिक्षाटन भी स्टार्ट कर दिया। लोग उसको सहानुभूति भी नहीं दिखाते थे, काफ़ी लाइफ मिजरेबल उसको था, लेकिन एक दिन वह दुनिया को रैट ट्रैप से कंपेयर करके खुश हो गया और लगा कि वो फ्री है, और जो धनी लोग हैं वो रैट की तरह रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं। पॉइंट नंबर 2 है पेडलर इन क्रॉफ्टर्स हाउस। पेडलर क्या हुआ, पेडलर एक दिन घूमते घूमते काफ़ी दूर निकल गया। जब सनसेट हो गया तो वह खोजने लगा कोई ऐसा घर जिसमें रात्रि गुजारा जा सके। उसने क्या किया, एक रोड साइड में घर था, उस पर दरवाजे पर दस्तक दिया। आश्चर्य हुआ उसको क्रॉफ्टर के वेलकम से, क्योंकि आज तक ऐसा वेलकम कोई नहीं किया था। क्रॉफ्टर ने उसको भोजन भी दिया, टोबैको भी दिया और कार्ड्स भी उसके साथ खेला, उसके साथ काफ़ी गपशप करता रहा। अपने कमाई के बारे में उसने बताया और ये भी बताया कि किस तरह से गाय के दूध और क्रीम को बेच करके उसका अर्निंग होता है, और पिछले महीना ही 30 क्रोनर उसको हुआ था, ये भी उसने रुपया भी उसको दिखाया, किसको, पेडलर को।
लेकिन क्या हुआ, जो पेडलर है नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग वो रुपया चोरी करके वहाँ से भाग निकला। भागते हुए पॉइंट नंबर थ्री, गया कहाँ, पेडलर इन द फॉरेस्ट। पेडलर फॉरेस्ट में दौड़ता हुआ चला गया भागते हुए चोरी करने के बाद, लेकिन कुड नॉट फाइंड इज वे आउट ऑफ द फॉरेस्ट टिल सनसेट। मिड डे के बाद वो रास्ता खोजने लगा जंगल से बाहर निकलने का, लेकिन सनसेट तक वो नहीं रास्ता खोज पाया। तभी अचानक वो रियलाइज़ किया कि वो खुद ही रैट ट्रैप में फंस गया है पैसे की लालच में। तभी अचानक उसको साउंड सुनाई पड़ा हैमरिंग का, और समझ गया कि वो जो क्राफ्टर उसने कहा था कि यहाँ पर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में एक रैम्सी आयरन वर्क्स है, फैक्ट्री है, समझ गया कि वही फैक्ट्री से हैमरिंग की आवाज़ आ रही है। और वह जो है हिम्मत करके उस डायरेक्शन में रात के अंधेरे में चलता चला गया। आखिरकार पॉइंट नंबर फोर, पेडलर इन रैम्स जो आयरन वर्क्स में वो पहुँच गया। वहाँ पर जो आयरन स्मिथ से उसे परमिशन लिया, परमिशन लेकर के फर्नेस जो जल रहा था उसके नज़दीक जाके वो लेट गया। कुछ देर के बाद आयरन मास्टर जो मालिक थे फैक्ट्री के वो अंदर आया, और वो उस सोया हुआ जो रैट ट्रैप सेलर था पेडलर उसको अपना दोस्त समझ बैठा, और काफ़ी सहानुभूति उसके साथ हुई। बार बार उसको इन्वाइट करता चला गया कि चलो चलो अपने घर चलो, लेकिन वो नहीं गया क्योंकि पता था उसको कि भाई हकीकत तो मुझे हकीकत तो पता चलेगा ही, मैं उनका दोस्त नहीं हूँ, ना ही कोई आर्मी में हूँ। आखिरकार मिस हेडला आई, यानी कि आयरन मास्टर की बेटी आई, लेकिन वो सक्सेसफुल हो गई उसको इन्वाइट करके घर ले जाने में। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर फाइव, पेडलर इन आयरन मास्टर हाउस। पेडलर जब आयरन मास्टर के घर में गया तो क्या हुआ, आयरन मास्टर अर्ली इन द मॉर्निंग जो है अपने मिस्टेक को रियलाइज़ कर दिया कि रात के अंधेरे में ये तो मुझे अपना दोस्त की तरह लगा था, लेकिन दिन के उजाले में स्पष्ट था कि उसका दोस्त नहीं है। इस पर उसको गुस्सा आ गया, उसने ऑर्डर किया कि तुम मेरे घर को छोड़कर चले जाओ, लेकिन जो मिस हेडला है वो रिक्वेस्ट की फादर को कि मैं इसको क्रिसमस ओकेजन में रहने के लिए रखने के लिए इन्वाइट करके लाई हूँ, प्रॉमिस की हूँ, तो इसलिए कम से कम आज के लिए रहने दीजिए। वैसे भी बेचारा जो फेरी वाला है इसका जीवन कष्ट से भरा पड़ा रहता है। इसके बाद वह क्या कि मिस हेडला उसको खाना दी, ब्रेकफास्ट दी खाने के लिए, उसके बाद फिर दोपहर का भी खाना मिला, फिर रात्रि का भी खाना मिला, और इस दौरान जग जग के जाए तक खाना खाता लेकिन लगातार फिर सोता ही रहता। नेक्स्ट क्या हुआ, पेडलर्स गिफ्ट टू एडला, यानी कि इसके पहले पॉइंट क्या है कि जो एडला है उनको कही थी कि आप जो है कल तो चले जाओगे यहाँ से, लेकिन आप हमेशा वेलकम रहोगे, जब जब क्रिसमस आए तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर आइएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग क्या हुआ, तो पेडलर्स गिफ्ट फॉर एडला पॉइंट नंबर सिक्स है, आयरन मास्टर और उसकी जो बेटी है दोनों ही चले गए नेक्स्ट मॉर्निंग चर्च में प्रेयर के लिए। हर्ड द पीपल टॉकिंग, और वहाँ पर लोगों को बातचीत करते हुए सुना कि क्राफ्टर के घर से कर एक पेडलर फेली वाला जो पैसा चोरी करके भागा है। तभी अचानक दोनों को रियलाइज हुआ कि वो वही पेडलर वही फेरे वाला शायद घर में है, चोर ही है घर में, और वो लोग रश टुवार्ड्स होम, घर की तरफ भागे गाड़ी में, रियलाइजिंग द सेम पेडलर टू बी प्रेजेंट इन देयर होम। नेक्स्ट है बोथ रीच्ड होम, दोनों घर यानी कि आयरन मास्टर उसके बेटे दोनों ही घर पहुंचे और वहां पर आश्चर्यचकित हो गए। उनको लगा था चोरी करके भागा होगा वो, लेकिन यहां क्या, ये तो गिफ्ट छोड़ करके चला गया, वो भी एडला के नाम से। गिफ्ट में क्या था, गिफ्ट में एक लेटर था जो कि एडला के नाम से था, रैट ट्रैप था, और वहीं में 30 करोड़ जो उसने चोरी किया था वह भी पैसा वहीं पर रखा हुआ था। नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑफ द लेटर, आखिरकार लेटर में क्या क्या लिखा हुआ था। एक था कि पेडलर ने लेटर के थ्रू थैंक्स किया था किसको, एडला को, फॉर हर ट्रस्ट इन हिम। फिर उसने धन्यवाद दिया था कि उसके आतिथ्य हॉस्पिटैलिटी यानी आतिथ्य सत्कार के लिए। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं की थी, इसलिए पेडलर ने लेटर को थैंक्स दिया था एडला को। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया था किसको, एडला को, कि जो पैसा मैंने चोरी किया वो 30 करोड़ ये यही है, और इसको आप क्राफ्टर के यहाँ दे देंगे। और फिर लास्ट में फिर से धन्यवाद दिया कि आखिरकार एक चूहा यानी उसे चूहेदानी में यानी कि लालच रुपया पैसा का उससे कम से कम बचा लिया। और लास्ट में है उन्होंने सिग्नेचर किया कैप्टन वॉन स्टैनले के नाम से, क्योंकि इसी तरह उनका इंट्रोडक्शन किया गया था इन द वेरी बिगनिंग बाय आयरन मास्टर टू हिज डॉटर। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट दो चैप्टर्स। अब चलें हम पोएट्री सेक्शन में। पोएट्री सेक्शन में आपको ऑलरेडी पता है कि दो ही पोएम हमको पढ़ना है, सेकेंड टर्म में थिंग ऑफ ब्यूटी है और जेनिफर स्टाइगर। तो हम पहले थिंग ऑफ ब्यूटी को देख लें। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया, थीम इसका सिग्निफिकेंस ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी कि नेचुरल थिंग्स का। जो इसको चार पार्ट में मैंने बांट दिया, जो फर्स्ट पार्ट है थिंग ऑफ ब्यूटी से लेकर के पास इनटू नथिंगनेस तक, उसमें है क्या कि इस पोएम में अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स इमोर्टल जॉय टू अस, इट्स ब्यूटी गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस नेवर एंड्स। जो सेकेंड है, सेकेंड में बट विल कीप ए बार क्वाइट से लेकर के फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स तक, ये सेकेंड हम मान के चलते हैं। इसमें क्या किया गया, इसमें बताया गया कि क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या बेनिफिट्स ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी का। तो लिखा गया है दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड बावर क्वाइट कहते हैं मेंटल पीस को, मानसिक सुकून को, साउंड स्लीप, हेल्थ एंड रेस्ट टू अस, देयरफॉर एवरी मोरो
और एवरी मोरो मीन्स एवरी कमिंग डे, आने वाले दिन, वी गेट आवर सेल्स इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लावरी बैंड कहते हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी को अराउंड अस, टू लिव आवर लाइफ विद प्लेजर ऑन द अर्थ, वी हैव अ लॉट ऑफ डेस्पोंडेंस मीन्स होपलेसनेस ड्यू टू द इनह्यूमन एक्ट, यानी कि ड्यू टू द इनह्यूमन, और इनह्यूमन क्या चीज़, इनह्यूमन नोबल नेचर वाला इंसान, यानी ह्यूज लैक ऑफ पीपल हैविंग नोबल नेचर, ग्लूमी डेज यानी सैड डेज भी काफ़ी है, और अनहेल्दी वे तरीके से हम जीवन जीते हैं, मोर ओवर हमारा जो फ्यूचर है वो भी डार्क की चारों तरफ होपलेसनेस डोमिनेट करता है। फिर हमने क्या किया कि होपलेसनेस डोमिनेट करता है, हाँ तो उसमें है क्या चीज़, आखिरकार जो निराशा और उदासी हमारे जीवन को घेरे हुए है, उस जीवन के निराशा और उदासी को भी कोई थिंग ऑफ ब्यूटी यानी नेचुरल थिंग्स ही उसको ख़त्म करता है और हमें खुश कर देता है। नेक्स्ट है जो पार्ट थर्ड है वो है सारा एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सच द सन मून से लेकर के हमारा जो वी हैव हर्ड और रेड तक, द ग्लोरियस सन, द लविंग मून, ग्रीन पूल्स, ग्रीन ट्रीज विद शेड एंड सिंपल एंड गिफ्ट फॉर द सिंपल शिप, यानी जो पेड़ वगैरह है वो जो छाया हो सिंपल शिप के लिए यानी इनोसेंट एनिमल्स के लिए गिफ्ट तो ही है, उसके साथ ग्लोरियस सन है, मून है, आखिरकार ये क्या है, ग्रीन ट्रीज है, ये सारा एक गिफ्ट ही है इंसान के लिए और जानवर के लिए भी। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट ब्यूटिफुल डैफोडिल्स इन द फॉरेस्ट, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, रिल्स यानी स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग थ्रू द कवर्ड यानी बुश, हैविंग क्लियर एंड कूल वाटर इन द समर सीजन, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, व्हाइट रोज फ्लावर्स स्कैटर्ड इन ब्रेक यानी कि फॉरेस्ट ऑफ फर्न्स, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है, और इमेजिनेशन रिगार्डिंग वेलकम ऑफ माइटी डेड यानी ग्रेट पर्सन्स हु डाइड फॉर द गुड ऑफ अदर्स, उनको जो ग्रैंड्योर शानदार तरीके से डूम्स डे यानी फाइनल डे ऑफ जजमेंट पर इन्वाइट किया जाता है, कहाँ पर, हेवन में, वो जो इमेजिनेशन है वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, ऑल लवली टेल्स यानी जितने भी रिलीजियस टेल्स है वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये सारे फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। लास्ट है पॉइंट नंबर फोर में, एन एंडलेस फाउंटेन से लेकर के फ्रॉम हेवेंस ब्रिंक तक, यानी इसमें सोर्स ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी बताया गया, जिसमें कि द पॉइंट हैज यूज द इमेज ऑफ एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल रिंग थिंग ऑफ ब्यूटी ऑन दैट हेवन फ्रॉम हुज ब्रिंक कहते किनारे को, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर पोर्ड डाउन ऑन द अर्थ, हमें ऊपर से नीचे दिया जाता है। दीज इलनेस टेल्स अस दैट द सोर्स ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये जो दीज इमेजेस है ना, द इमेजेस टेल्स अस अबाउट द सोर्स ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट इट इज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, यानी कि नेक्टर ऑन द ऑफ ब्यूटी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी ऑन द हेवन, दे कम डाउन ऑन द अर्थ फ्रॉम द एज मीन्स ब्रिंक ऑफ द हेवन। नेक्स्ट हमारा है ऑन द फेस ऑफ इट, ये ऑन द फेस ऑफ इट आपका विस्टास का फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड टर्म का, जिसको लिखा गया सुसान हिल के द्वारा, थीम है डिफरेंस इन द एटीट्यूड ऑफ हैंडीकैप्ड पर्सन्स, जिसमें पहला जो है कैरेक्टर है डेरी है, 18 इयर्स ओल्ड है बच्चा, लुक्स अगली ड्यू टू द हाफ बर्न फेस है, जो एसिड से उसका आधा चेहरा जला हुआ है, फेल्ट सैड एंड लोनली, हमेशा सैड और लोनली एहसास करता है, एफ्रेड टू गो आउटसाइड एंड मीट पीपल, उसे डर लगता है बाहर जाने से, लोगों से मिलने से। सेकेंड कैरेक्टर मिस्टर लैम, जो कि एन ओल्ड पर्सन लिविंग इन इज एप्पल गार्डन, वह डिड नॉट रिएक्ट टू द, वह कभी भी बच्चे उनका मजाक उड़ाते उस पर रिएक्ट नहीं करता है, वॉक लेम विद एन आर्टिफिशियल लेग, चलता है लंगड़ा करके एक आर्टिफिशियल लेग से, केप्ट हिमसेल्फ बिजी, वह अपने आप को बिजी रखता अलग अलग हॉबीज में। मिस्टर लैम सजेशन देता है, किसको, डेरी को सजेशन देता है लाइफ को जीने का, कैसे, पहला नॉट टू थिंक मच अबाउट हिज मर्ड फेस, कि अपने जले हुए चेहरे के बारे में ज़्यादा मत सोचो, नॉट टू बी एफ्रेड टू गो आउटसाइड, और डरो नहीं बाहर जाना और लोगों से मिलने का, नॉट टू रिएक्ट टू अदर्स कमेंट, जो तुम्हारा दूसरे मजाक उड़ाते हैं तुम्हारे चेहरे को देख कर रिएक्ट करते हैं उस पर तुम कहीं से रिएक्शन नहीं करना, टू अंडरस्टैंड हैंडसम इज हैंडसम डज, और कहना है कि ये समझो कि जो चेहरा हैंडसम है उससे कोई मतलब नहीं, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, यानी सुंदर वही जो सुंदर कार्य करता है, और फिर टू कीप हिमसेल्फ बिजी इन डिफरेंट हॉबीज, की अलग अलग हॉबीज में अपने आप को बिजी रखो जिससे लोनलीनेस और उदासी खत्म रहेगा। क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी क्या है कि डेरी प्रॉमिस करता है कि मैं जा रहा हूँ माँ से बोल करके, मैं यहाँ पर हूँ, जल्दी चला आऊँगा, उसके बाद वो गार्डन से बाहर दौड़ता हुआ जाता है, अपने घर पहुँचता है, माँ उसे मना करती है लैम्प के गार्डन में जाने से, क्योंकि लैम्प के बारे में वहाँ पर अड़ोस पड़ोस में लोग निगेटिव एटीट्यूड रखे हुए हैं। डेरी माँ के बार बार कहने के बावजूद भी वह दौड़ता हुआ वापस गार्डन में चला आता है, ये कहते हुए कि मैं फिर अगर यहाँ रुक गया तो दोबारा घर के बाहर कभी नहीं निकलूँगा, और जब वह गार्डन में पहुँचता है तो वहाँ पर मिस्टर लैम्प जो लेकर के एप्पल तोड़ने के लिए गए थे, सीढ़ी फिसला, वो गिर गए नीचे, गर्दन टूट गया, वो मर गए हैं। तो आखिरकार जो डेरी है वह देखता है मरा हुआ गिरा लैम्प को, और उसके बाद वो रोने लगता है। तो ये एंड हो गया हमारा स्टोरी का, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है,
ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि आखिरकार स्टोरी का एंड जनरली हम क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, हैप्पी नोट करते हैं, लेकिन यह सैड नोट है। स्टोरी को एंड किया गया लेकिन किसी के डेथ से, कैरेक्टर के डेथ से। ऐसा क्यों किया गया? इसलिए किया गया ताकि किसी का एंड हो रहा है किसी का हैप्पी बिगनिंग के लिए। यानी जो ओल्ड पर्सन है मिस्टर लैम, वो तो अपना जीवन जी चुका है लगभग। जो डेरी है वो तो अभी 18 ईयर्स का ही है, उसका तो पूरा जीवन ही बच गया है। इसलिए कहा गया कि आखिरकार उसका जो इंथुसियास्टिक जो फीलिंग्स आ गया है, उसको जो जीवन जीने का जो एक एक बूस्टिंग आ गया, इंकरेजमेंट आ गया इतना सारा कुछ सुनने के बाद, तो अब जीवन को आराम से जी सकता है। नेक्स्ट है शुड विजार्ड हिट मम्मी बाय जॉन अपडाइक। इसमें थीम क्या है? डिफरेंस इन ए चाइल्ड एंड एडल्ट्स पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। जीवन के ऊपर जो नज़रिया है बच्चों का और बड़ों का, उसके डिफरेंस को दर्शाया गया है। जिसमें जैक का फैमिली है, जैक के फैमिली में क्लेयर उसकी पत्नी है, जो उसकी बेटी है जो 4 साल की है, बॉबी उसका सबसे छोटा बेटा है जो 2 साल का है। जो बेटी है उसकी आदत है, क्या आदत है? 2 साल से ही वो कहानी सुन रही है, और सुनाने वाले कौन है? उसके पिताजी जैक। अब वो रियलिटी फेज में आ गई, यानी 4 साल की हो गई, तो रियल क्या अनरियल क्या है इस पर डिफरेंस को समझने लगी, और इसलिए जहाँ भी कहानी में उसको शक होता, डाउट होता, वो क्वेश्चन पूछा करती थी। जो जैक साहब जो कहानी बताते थे, आखिरकार उसका प्लॉट लाइन क्या था? पॉइंट नंबर टू है प्लॉट लाइन ऑफ द स्टोरी। तो कहानी के अनुसार एन एनिमल चाइल्ड नेम्ड रोजर, हर एक दिन कहानी में एक एनिमल चाइल्ड रोजर नामक एक एनिमल चाइल्ड रहता था मेन कैरेक्टर। वह जो रोजर था उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हर एक दिन रहता था, और वह अपने प्रॉब्लम के लिए उल्लू के पास जाता था, बुद्धिमान उल्लू के पास, लेकिन बुद्धिमान उल्लू उसके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करके उसको रीडायरेक्ट कर देता था विजार्ड से मिलने के लिए, जादूगर से मिलने के लिए जो डीप जंगल में था। आखिरकार रोजर दौड़ते हुए उस विजार्ड से जाकर के मिलता है, विजार्ड उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, और फिर और रोजर जो है दौड़ता दौड़ता वापस फिर खुशी से आ जाता है अपने घर, खेलता है, फिर खाने जाता है घर, और फिर जाके सो जाता है। तो यही प्लॉट लाइन ऑफ द स्टोरी हर एक दिन का है। आज जो है वह स्टोरी फिर से सुनाना है किसको? जैक साहब को। और जैक साहब ने अपनी बेटी को पूछा कि आज कौन सी कहानी सुनोगे, जिस पर उसने कहा था स्कंक की कहानी सुनाने के लिए। तो रोज स्कंक कहानी सुनाते हैं। स्कंक का कहते हैं कि अदर चिल्ड्रन लेफ्ट हिम एलोन ड्यू टू हिज बैड स्मेल, कि रोजर स्कंक जो है उसके बदन से दुर्गंध देता था, जिसके कारण दूसरे बच्चे उसको छोड़ करके भाग जाते थे या अकेला आंसू बहाता रह जाता था। इसके बाद रोजर क्या करता था? उल्लू के पास जाता था, उल्लू उसे विजार्ड के पास भेजता, विजार्ड उसके बैड स्मेल को रोज स्मेल में चेंज कर देता है, और स्कंक क्या कर देता है, जो विजार्ड है उसको पैसा देने के बाद वापस दौड़ता हुआ आता। पहली बार बच्चे उसके साथ खेले हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में है जो रन्स टू द एंड। आखिरकार जो है वह क्या कर लेता है कि जो वह फिर से जाता है माँ के पास, जब जाता है माँ उसके सुगंध को डिसलाइक करती है, जोज रिएक्शन है ना, जोज मदर्स रिएक्शन टू द एंड ऑफ द स्टोरी। तो माँ डिसलाइक करती है स्कंक के रोज स्मेल को, क्योंकि उसको लगता है कि इसका आइडेंटिटी खतरे में आ गया, स्कंक है तो बैड स्मेल होना चाहिए, वही तो आइडेंटिटी है। टुक हिम टू विजार्ड, फिर वह ले जाती है विजार्ड के पास, और विजार्ड को हिट करती है और उसको डरा करके उसके स्कंक के बैड स्मेल को वापस करती है। फिर जो डिड नॉट लाइक, जो है इस तरह का जो एंड ऑफ स्टोरी जो बेटी है सुनते सुनते वो डिसलाइक करती है, नहीं चाहती है, वो पिताजी को बार बार कहती है कि कहानी के एंड को आप बदलिए, और विजार्ड को ही माँ नहीं मारी बल्कि विजार्ड ही माँ को हिट की है, ऐसा कहानी को कीजिए। एट फर्स्ट सबसे पहले तो जैक साहब उसकी बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन आखिरकार वो प्रॉमिस करते हैं ठीक है नेक्स्ट डे मैं कहानी के एंड को बदलूँगा। जब वो सीढ़ी से नीचे उतरने लगते हैं जैक साहब, तो वो आखिरकार फील करते हैं जैक फेल्ट कॉट इन अगली मिडिल पोजीशन, अपने आप को अगली मिडिल पोजीशन में, यानी एक इच्छा होती कहानी को बदलें, फिर दूसरा इच्छा होती कहानी को नहीं बदलें। लास्ट हमारा है इवांस ट्राइज़ द नो लेवल बाय कॉलिन डेक्स्टर के द्वारा लिखा गया, जिसमें थीम है बैटल ऑफ विट्स बिटवीन क्राइम एंड पनिशमेंट। इवांस मेन कैरेक्टर है, अ यंग मैन विद ए चार्मिंग पर्सनालिटी है, हीरो ड्यूरिंग क्रिसमस कंसर्ट है, सफर्ड फ्रॉम लेप्टोमैनिया यानी चोरी करने की आदत है उसको, कॉट एंड सेंट टू जेल 3 times, 3 बार पकड़ा है, 3 बार जेल चला गया है, लेकिन हर एक बार जेल से वो बाहर निकल गया, जिसके कारण इवांस द ब्रेक करके उसको लोग जानने लगे हैं। इसके बाद चौथी बार पकड़ाने के बाद उसको ऑक्सफोर्ड प्रिजन में भेजा गया, क्योंकि वहाँ का जो गवर्नर यानी जेलर था काफ़ी एक्सपर्ट था, वहाँ से एक भी केस नहीं था भागने का, जेल से भागने का। उसको ऑक्सफोर्ड प्रिजन में भेजा गया, तो उसके हिस्ट्री को देखते हुए उसको आखिरकार सेल में रख दिया गया।
वहाँ पर इवांस ने अपना योजना बनाया यहाँ से भाग बाहर निकलने का। उसने क्या किया, गवर्नर से रिक्वेस्ट किया कि उसको आखिरकार जर्मन लैंग्वेज सीखने का मौका दिया जाए। गवर्नर ने उसके लिए एक ट्यूटर अरेंज कर दिया और वह ट्यूटर से 6 महीने तक लगातार इवेंस पढ़ता चला गया। 6 महीने के बाद वह क्या किया, फिर से गवर्नर को रिक्वेस्ट किया कि आखिरकार मैं पढ़ लिया हूँ, मुझे सर्टिफिकेट लेने का एक मौका दिया जाए, नहीं एग्जामिनेशन में देना चाहता हूँ ओ लेवल का। जो गवर्नर, उसने क्या किया, जो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का सेक्रेटरी, उसे बातचीत करके तय हो गया, एग्जामिनेशन को अरेंज कर दिया गया उसी के सेल में सेक्रेटरी से बात करने के बाद। पॉइंट नंबर 3 है प्रिकॉशंस टेकन बाय द गवर्नर। गवर्नर ने आखिरकार क्या क्या प्रिकॉशन लिए ताकि वो भागे नहीं जेल से। एक था सेल को सर्च किया गया, माइक्रोफोन फिट कर दिया गया और माइक्रोफोन का कनेक्शन जो है गवर्नर के ऑफिस से कर दिया गया ताकि कुछ भी बातचीत अगर सेल के अंदर फादर मक्लियर जो इन्विजिलेशन करने आने वाले थे और इस इवांस के बीच में हो तो उनको ऑफिस में बैठे बैठे ये पता चले। सेल सर्च अगेन दूसरे दिन फिर से सुबह में एग्जामिनेशन से पहले सेल को सर्च किया गया, फादर मक्लियरी और उनके बैग को भी सर्च किया गया जिस बैग में एक जो ट्यूब टाइप का था, जो इन्फ्लेटेड रिंग था जिसमें आखिरकार कुछ था जो उस समय कहे कि नहीं मैं यहाँ पर हेमरहेरिया से ग्रसित हूँ इसके लिए ले आया हूँ। इसके बाद स्टीफेंस क्या किया, स्टीफेंस उस सेल के बाहर बैठ करके और की होल से बार बार झांक करके देखता कि आखिरकार अंदर एग्जाम क्या हो रहा है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, इवेंट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के दौरान कौन कौन सी घटना घटी। एक है गवर्नर को अचानक एक कॉल आया असिस्टेंट सेक्रेटरी एग्जामिनेशन से और उसने कहा कि आखिरकार जो क्वेश्चन ले जाया गया मक्लियरी फादर के द्वारा उसमें करेक्शन स्लिप ले जाना था, पता कीजिए कि ले गए या भूल गए। इसके बाद फिर थोड़ी देर का कॉल आया कोर्ट से कि यहाँ पर जो है कुछ को पनिशमेंट दिया गया जेल का, इसलिए आप कोर्ट की गाड़ी और पुलिस को भेज दीजिए ले जाने के लिए। इसके बाद इवांस क्या किया, बीच परीक्षा में ही अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लिया यह कहते हुए काफ़ी ठंड लग रहा है। स्टीफेंस रिसीव और लास्ट में जब 5 मिनट बच गया तो स्टीफेंस को एक ऑर्डर आया कहाँ से, गवर्नर के द्वारा कि जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो फादर मक्लियरी को सी ऑफ करोगे मेन गेट तक। ये सारा इवेंट्स हुआ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। इसके बाद है पॉइंट नंबर 5, गवर्नर्स कन्फ्यूजन। गवर्नर कन्फ्यूज हो गए, गवर्नर मीन्स जेलर कन्फ्यूज हो गए। क्या क्या, स्टीफेंस लेफ्ट मक्लियरी एट द गेट। स्टीफेंस जैसा कि उसको ऑर्डर मिला था फोन से, मक्लियरी को मेन गेट जेल का वहाँ तक छोड़ दिया। इसके बाद वापस आया, केम बैक, पिप्ड इनटू द सेल और फिर झांक करके सेल के अंदर देखा, रेज्ड एन अलार्म फाइंडिंग मक्लियरी बैडली इंजर्ड इनसाइड द सेल। लेकिन जैसे ही देखा कि अरे मक्लियरी फादर जो है वो तो बेहोश घायल पड़े हुए हैं, समझ गया कि निश्चित रूप से भेष बदल करके इवांस भागा है मक्लियरी के भेष में और घायल कर दिया फादर को। वह जो अलार्म रेज अलार्म किया, खतरे की घंटी बजाया, वहीं पर मक्लियरी साहब जो है उनको जब एम्बुलेंस में ले जाने की बात हुई उन्होंने सजेशन दिया कि नहीं नहीं अभी वो ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले हम उसको चेज करते हैं, इवांस के पीछे हमको जाना जरूरी इसको पकड़ने के लिए। मक्लियरी आखिरकार जो जेल की गाड़ी थी उस गाड़ी से मौका मिला और वह उसमें से भी निकल गया। जो खास करके इवांस था वो मक्लियरी नहीं था लेकिन घायल रूप में अपने आप को मक्लियरी रूप में बनाया हुआ था। गवर्नर को कन्फ्यूज़न हुआ कि आखिरकार इवांस कौन था, ये जो सी ऑफ किया गया मेन गेट तक वो था या इवांस ये जो भागा है गाड़ी में से वो है, ये पता नहीं चला। द एस्केप ऑफ इवांस आखिरकार इवांस फिर से भागने में कामयाब हो गया। कैसे, गवर्नर रेड द करेक्शन, गवर्नर जेल आए सेल आए और सेल में बार बार क्वेश्चन करेक्शन स्लिप को पढ़ करके उनको आइडिया मिल गया कि आखिरकार ये कोड वर्ड्स में उसके भागने का जगह को बताया गया, गोल्डन लायन होटल उसमें भागने का, वहीं पर उसको रहना है। इस आइडिया को मिलने के बाद वो क्या किया, वो होटल गए गोल्डन लायन होटल और वहाँ पर जो रूम था इसके नाम से उस रूम में जाके बैठ गए, बाहर से ताला लॉक और चाबी, फिर काउंटर पर रिसेप्शन काउंटर पर आ गया। थोड़ी देर के बाद जो मक्लियरी घायल के रूप में गाड़ी से भागा था एक्चुअली वही तो इवांस था, तो वो क्या किया था, आखिरकार इसी होटल में उसको आना था इसलिए वह इवांस यहाँ आया और जैसे ही होटल रूम में दाखिल हुआ गवर्नर उसे पकड़ लिया और पकड़ के करेक्ट जो रिसेप्शन के पास लाया। वहीं पर अचानक एक जेल की गाड़ी रुकी, 2 पुलिस ऑफिसर निकले वहां से और आकर के इवांस को हैंडकफ कर दिया, हथकड़ी लगा दिए। इसके बाद जो गवर्नर है ऑर्डर किया दोनों पुलिस को कि ले जाओ इसको प्रिजन में, इवांस को प्रिजन में रख देना। और फिर जो ऑफिसर्स थे और जो ड्राइवर वास्तव में इवांस के दोस्त ही थे, आखिरकार उन सबों ने मदद किया इवांस को 4th बार जेल से फरार होने में और वो भी न्यूबरी की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लिटरेचर है पूरा का पूरा A to Z हमने ख़त्म कर दिया। शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है और बहुत कम समय में आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वेरी वीडियो।